और ये प्रोसेस जो है इसमें रानी आपको पहली बार देखने को मिलेगी। कोई निकालना नहीं है क्या? दब के रखिए, काटेगा हो सकता है। मतलब पहली बार रानी देखे हैं और हमारे साथ अनिल भाई हैं, हम दोनों ये नकाब पहने हैं। और यहाँ पे देखिए, ये चारों तरफ हमारे पीछे आप लोग देख सकते हैं बहुत सारा बॉक्स है और हर बॉक्स में 9 ये लोग फ्रेम लगाया हुआ है और ना जाने कितनी मधुमक्खियां हैं। सीट हम नया बना कर दिए हैं। अच्छा, जो मधुमक्खी इसको नया तैयार कर रही है। वर्कर का संख्या ज्यादा चाहिए, ज्यादा चाहिए। हाँ, हाँ। इसलिए हमको इसको बाध्य करने के लिए हम इसको सीट देते हैं। हाय दोस्तों, लियाकत खान ब्लॉग में आपका स्वागत है। आज हम एक हनी फार्मिंग में आए हुए हैं। यहाँ पे एक प्लांट लगा हुआ है, एक्चुअली दो भागों में ये प्लांट लगा हुआ है। तो एक भाग प्लांट हम आपको पूरा अच्छे तरीके से दिखाएंगे, शहद निकालता कैसे है लो वो दिखाएंगे, और ये कैसे इसको इतने जो हनी बी होते हैं इस बी को इतने पकड़कर कैसे क्या ये लोग करता है हमको समझ नहीं आ रहा है। तो हमको देखकर ये लगा कि आप तक ये सारी चीज़ें पहुंचानी चाहिए। तो हमारे सुरेश जी यहाँ मिले हुए हैं, ये सारी बातें बताएंगे आपको। और हमको ये ना नकाब पहनने के लिए दिए हैं ताकि वो हमको ये जो मधुमक्खी जो है वो काटे नहीं, डंक ना मारे चेहरे पे। मुलायम चीज होता है जो फूल जाएगा, तो हम इसको पहन लेते हैं। इसको पहनने के लिए देखिए यहाँ पे जगह दिया हुआ है, ये हाइट की तरह है और कुछ इस तरह इसको हम लोग पहन लेते हैं। पहनने के बाद अब हम लोग अंदर की तरफ चलेंगे और एक एक चीज सुरेश जी हम लोग को दिखाएंगे। और सारी डिटेल्स में देखिए, वीडियो अंत तक देखिए ताकि समझ में आ जाए और इस प्लांट से क्या फायदा होता है, क्या मतलब कितना टाइम तक यहाँ पे रहेंगे ये लोग। ये मुजफ्फरपुर से यहाँ पर आकर लगाए हुए हैं, तो ये ऐसे लोकेशन ये क्यों चूज करते हैं, तो ये सारी चीजें हम जानेंगे। आइए वीडियो को। सुरेश जी अपना परिचय एक बार दे दीजिए वीडियो को शुरू करने से पहले। मेरा नाम सुरेश प्रसाद है, शिवराहा मुजफ्फरपुर बिहार का रहने वाला हूँ मैं। मधुमक्खी पालन का धंधा करता हूँ। यह धंधा जो है ना किसान के लिए, चाहे छोटे छोटा पैसा लेके धंधा करने वालों के लिए बेहतर धंधा है। इसमें स्वरोजगार सृजन का सुनाना अवसर है। अच्छा, इससे एक तो मधुमक्खी पालन से आदमी को जो धंधा करता है उसको शहद के रूप में शहद बिक्री कर कुछ पैसा आ जाता है। उसके अलावे फसल को काफी फायदा होता है। अच्छा, परागण के द्वारा। अच्छा अच्छा, परागण के द्वारा फसल का पैदावार बढ़ जाता है और दुर्लभ सामान जो फूल पर जो फूल में रस आता है वह जो हवा में चाहे धूप में सूख जा सकता है उसको मधुमक्खी जमा करके शहद जमा करती है। अच्छा, जो शहद एक अमृत है। शहद जो है अमृत है, इसको खाने के बाद आदमी अच्छा स्वास्थ्य मिलता है और पैसा भी मिल जाता है जो धंधा करते हैं उनको। जी, तो रोजगार का भी एक सुनहरा मौका है। लेकिन इसमें दिक्कत है कि शहद बिक्री में सही से नहीं हो पाता है। अच्छा अच्छा, अगर सही का शहद बिक्री बढ़िया से हो जाए तो रोजगार सीजन का एक बहुत बढ़िया स्रोत है। तो मधुमक्खी तीन तरह की होती है। अच्छा, एक रानी होती है जो सिर्फ अंडा देने का काम करती है। ओके। एक वर्कर होती है जो छत्ता बनाने का, रस लाने का, पराग लाने का या परवरिश का काम वही करती है। अच्छा। और एक ड्रोन होता है जो सिर्फ रानी के गर्भाधान में काम आता है। अच्छा अच्छा, और एक मतलब ड्रोन जो है ना, एक रानी एक बार गर्भित होती है, पाल खाती है। अच्छा, एक ही बार? एक ही बार। और उसका उम्र करीब 3 साल का होता है। अच्छा, लगातार 3 साल अंडा देती रहती है। अच्छा, ये बताइए ये जितनी मधुमक्खियाँ हैं ये आप कहीं से लेकर आए हैं या आसपास की हैं? नहीं, शुरू में इटली से आई थी मक्खी पंजाब। अच्छा, और पंजाब के द्वारा आया था, उसमें करीब करीब 2000 के आसपास में 10 पेटी हमको मिला था सरकारी अनुदान में। अच्छा, सरकारी अनुदान में 10 पेटी हमको मिला था। हाँ, मामा भैया को मिला था। ओके ओके, तो उसके बाद इसको बढ़ाकर हम इतना पंजाब से भी हम मक्खी लाए थे। अच्छा अच्छा, हाँ, तो शुरू में ये इटली से आई थी। सोनिया गांधी का कोई सहेली थी इटली में जो मधुमक्खी का धंधा करती थी, वही मंगवाई थी। अच्छा, ये सोनिया गांधी के द्वारा यहाँ तक मतलब पहुँचाई। जानते हैं कि इस बॉक्स में क्या जादू है और कैसे बनता है, तो ये सारे चीज बॉक्स को हम देखेंगे। तो ये कितना लगाते हैं एक बॉक्स में आप? 9 फ्रेम होता है। 9 फ्रेम होता है। हाँ, और हर फ्रेम में अलग अलग रहता है। सीट हम नया बना कर दिए हैं। अच्छा, जो मधुमक्खी इसको नया तैयार कर रही है। तो ये सीट आप लोग बनाते हैं? ये वाला? हाँ, वो हम बना के देते हैं। बीच वाला जो है ना वो किस चीज का है? ये मोम का है। अच्छा, ये मोम का आप लोग तैयार करते हैं? तैयार करके इसको देते हैं। अच्छा, इसलिए कि हम ना देंगे ना तो ये अपना सुविधा कम सा छत्ता बनाएगी। अच्छा, हो सकता है ड्रोन बना दे। अच्छा, ड्रोन बनाएगा तो उसमें ड्रोन निकलेगा। अच्छा, जो मेरे किसी काम का नहीं होगा। हमको चाहिए वर्कर का संख्या ज्यादा चाहिए। इसलिए हमको इसको बाध्य करने के लिए हम इसको सीट देते हैं।
कि तुम इसको बनाओ। इसका जो है ना कॉपी, तो इसमें 9 फ्रेम ये लोग डालता है और ये सब चीजें जो है रेडीमेड करके देता है लोग, ताकि मादा जो हो, वर्कर जो हो वो ज्यादा से ज्यादा हो। ये आप नया बन रहा है और दिखाइए, पुराना बना हुआ। इसमें आप देख रहे हैं नीचे जो सेल खादी है इसमें से मधुमक्खी निकल गई है। अच्छा, मतलब ये रानी अंडा देती है दो तरह का। अच्छा, इसे एक वर्कर निकलता है 22 दिन में। अच्छा, आज अंडा देगी ना तो 22 दिन के बाद बच्चा होकर निकल जाता है। ओके, और ड्रोन निकलता है 24 दिन में। 24 दिन, हाँ। और रानी का निकलने का टाइम होता है सिर्फ 16 दिन। अच्छा, रानी भी यहाँ से निकलती है? हाँ, रानी में निकलती है, उसका सेल अलग होता है। अच्छा, रानी कैसे? यहाँ देखिए शहद जमा किया। अच्छा, यहाँ शहद जमा किया है जो ऊपर हिस्से में शहद जमा करती है। तो रानी आप कैसे पहचान लेते हैं कौन रानी का? रानी का आकार बड़ा होता है सबसे। अच्छा अच्छा, उससे आप लोग को अंदाजा लग जाता है कि ये रानी है। एक रानी होगी। इसमें कौन सी रानी है? हाँ, पता, अब हम खोज रहे हैं, मिलेगा। अच्छा, 9 छत्ता है ना। हाँ, हाँ। 9 में कहीं भी किसी छत्ता पर काम करती होगी। दोस्तों, आज तक आपने मधुमक्खी बहुत देखी होगी, लेकिन रानी हम लोग नहीं देख पाते हैं अमूमन तौर पे। तो आज हम लोग रानी देखेंगे। इस कार्टून के अंदर एक रानी निकली है, दिखाते हैं आपको। और ये वाला जो बड़ा साइज वाला है ये रानी है, और इस रानी के लिए इतने वर्कर काम करते हैं एक बॉक्स के अंदर, है ना जी? जी। अच्छा, तो इस और ये अपना खाना खुद नहीं खाती रानी? हाँ, मधुमक्खी को खाना खिलाती है। इसका भोजन है रॉयल जेली। अच्छा, जो मधुमक्खी के ग्रंथ में पाया जाता है रॉयल जेली ग्रंथ होता है। हाँ, हाँ। उसमें रॉयल जेली बनता है। अच्छा, और अपना सर में होता है ग्रंथ। अच्छा, तो इससे नजदीक में वो लेके जाएगा फिर खा ले। अच्छा, डर नहीं लगता है कि ऐसे खुलेआम है तो ये कहीं भाग जाए? नहीं, ऐसा कैसे भाग जाएगी? इसका रेंज क्या होता है, मतलब? नहीं, यहाँ से करीब 3 किलोमीटर चारों तरफ जाती है। 3 किलोमीटर दूर चारों तरफ? हाँ, जाएगी। हाँ, एक सर्कल हाँ, में वहाँ से लौट के अपने बक्से में आएगी। ये एक परिवार है मधुमक्खी का, और इसपे ये लोग इतना अच्छे क्लास किए हुए हैं और इतने अच्छे जानते हैं, इसको बिजनेस के तौर पे बदले हुए हैं। अच्छा, इस बिजनेस से आपको क्या बेनिफिट होता है और कितना दिन तक करते हैं, थोड़ा ये जानकारी दीजिए। सालों भर हम लोग करते हैं, और सालों भर इसमें खर्चा ज्यादा आ गया है। अच्छा, अब यहाँ से हम लोग, जैसे हमारा घर बिहार में है। अच्छा, तो बिहार से हम जाते हैं मध्य प्रदेश। ओके, हम जाते हैं राजस्थान। अच्छा, तो वहाँ जाते जहाँ, मतलब जब जब जहाँ फूल का सीजन आता है वहाँ वहाँ फूल के लिए हम लोग जाते हैं। फूल का सीजन अगर आपको राजस्थान में है तो हाँ, राजस्थान जाते हैं। राजस्थान में जब जो बाजरा की खेती होता है ना, तो इसको पराग चाहिए खाने के लिए। अच्छा, अच्छा। पोलन चाहिए, तो हम तो यहाँ नहीं दे पाते उसको, इसलिए इसको लेके वहाँ चले जाते हैं। और इसको अगर रस का कमी हो जाता है ना तो हमको चीनी खिलाते हैं। ये जो मध होता है आप इसको सेल कैसे करते हैं? ये पहले बहुत सारी कंपनियाँ है, जैसे पहले कश्मीर हनी हुआ करता था, अभी आज भी है, थोड़ा कमजोर पड़ गया है, डावर है, पतंजलि है, तो इन लोगों के साथ हमको लगता है कहीं ना कहीं ये लोग मिलावटी शहद का इस्तेमाल कर रहे हैं। अच्छा अच्छा, इसलिए हम लोगों का ओरिजिनल शहद का खपत अभी कम हो गया, कम हो गया। अच्छा, अच्छा, अच्छा। इसलिए कि मिलावटी से काम ले रहे हैं। अगर ये लोग बढ़िया शहद, ओरिजिनल शहद अगर खरीदे तो अच्छा धंधा है, एक किसान के लिए बहुत ही बढ़िया धंधा है। अच्छा, ये आपको क्या बेनिफिट हो जाता है, एक साल में क्या होता है? एक साल में हम अच्छा, मतलब किसी नौकरी से जितना कमा सकते हैं उससे ज्यादा कमा सकते हैं। झारखंड से शुरू करते हैं? हाँ, झारखंड वही आगे खत्म हो जाता है। बहुत खूब। अच्छा, ये बताइए, एक और मेरा सवाल था कि ऐसे कोई देखता है, हर जगह सड़क से दिख जाता है कि आप लोग रखते हैं, तो किसी को सहज चाहिए तो क्या आपके, मतलब यहाँ पे आके ले सकता है? नहीं, निकला हुआ रहता दे देते हैं। अच्छा, निकला हुआ रहता है? शहद निकालते कैसे है, थोड़ा वो बता दें। शहद निकालने के लिए हम कोई निकालना नहीं है क्या? दब के रखिए, काटेगा, हो सकता है। झाड़ देते हैं सारे मधुमक्खी को? अभी पूरा जमा नहीं हुआ है, थोड़ा सा कम है। अच्छा, हाँ। लेकिन फिर भी आपको मैं तरीका बता रहा हूँ। बहुत खुशी हो रहा है कि आप हमको इतना बता रहे हैं, फर्ट लगा रहे हैं अपना। तो इतना साथ कम है। अच्छा, हाँ। फिर भी आपको निकाल के बताते हैं। अच्छा, इसको लेके आइए। तो देखिए दोस्तों, ऐसे ऐसे छोटे जो बिजनेस करने वाले हैं वो इतना सपोर्ट करते हैं कि ताकि इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच सके। तो आइए हम लोग देखते हैं और इसको कैसे निकालते हैं। ये भी जानिए कि इसमें शहद प्रचुर मात्रा में हम नहीं है, कम है, फिर भी आपको दिखाने के लिए, मतलब अभी ये पूरी तरीके से तैयार नहीं हुआ है, लेकिन एक इस वीडियो के माध्यम से दिखाने के लिए ये आपको करके दिखा रहे हैं। तो ये मशीन है, इसमें आप लोग लगा देते हैं। हाँ, तो मशीन है। एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ छत्ता इसमें हम एक बार में डालेंगे। अच्छा, हाँ, आठ छत्ता डालेंगे और इसको चलाएंगे, चक्कर लगा।
सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के द्वारा सारा शहद निकल गया, छत्ता खाली बच गया। छत्ता आपका सेफ हो? हाँ, सेफ है, उसमें डाल देंगे। अच्छा, फिर ये यूज में आ जाएगा। अभी आप शहद निकाल के रखे हुए जो सेल करने के लिए, कुछ ऐसा नहीं है अभी आपके पास? हम जरूर आएंगे यहाँ से शहद ले जाने के लिए। ठीक। अच्छा, आप लोग एकदम ओरिजिनल रहता है, उसमें कुछ मिक्सर मिक्स नहीं करते हैं? अच्छा, सुरेश जी आपसे मिलकर बहुत खुशी हुआ। और कोई बात नहीं, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुआ और आप इतना अच्छे से इन्फॉर्मेशन दिए, हमारे दर्शक देखकर बहुत खुश होंगे। अंत में हम यही कहना चाहेंगे कि स्वरोजगार के लिए बहुत ही बेहतर जरिया है। तेल वाला जो चीज सिस्टम है, इस पे थोड़ा ज्यादा ध्यान दे, क्योंकि बिक्री हो जाएगा तो कोई भी बिजनेस करने में आसानी हो जाएगी। शायद निकाले, बिक्री नहीं हो। हाँ, तो फिर निकाल के क्या होगा? स्टोर का तो कोई जगह नहीं है, कितना स्टोर करेंगे? तो उम्मीद है कि आप सभी को ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा, जानकारी आपको बहुत सारी मिली होगी मधुमक्खी के बारे में, इसके फार्मिंग के बारे में, और ये प्रोसेस जो है इसमें रानी आपको पहली बार देखने को मिली होगी। हम भी मतलब पहली बार रानी देखे हैं, और हमारे साथ अनिल भाई हैं। हम दोनों ये नकाब पहने हैं, ये इसको इन लोगों के भाषा में इसको नकाब बोलते हैं, और ये हैट में एक जाली लगा दिया गया है। और यहाँ पे देखिए, ये चारों तरफ हमारे पीछे आप लोग देख सकते हैं, बहुत सारा बॉक्स है, और हर बॉक्स में 9 येलो फ्रेम लगाया हुआ है, और ना जाने कितनी मधुमक्खियां हैं। और ये चारों तरफ फूल का सीजन है, सरसों लगा हुआ है, जिससे कि ये लोग रस लाकर और यहाँ पे फिर उसको मध में बदल देते हैं। तो दोस्तों, आई थिंक कि आपको ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी लगी हो, तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लियाकत खान ब्लॉग को। और थैंक यू वेरी मच इतना सपोर्ट के लिए। अस्सलाम वालेकुम। बाय। देखिए भाई, कैमरामैन से शूट करवाने के बाद उसको कुछ ऐसे ट्रीट देना पड़ता है, और ट्रीट देकर आप ब्लॉगिंग करें ना, तो दोस्त को ले जाए, वीडियो बनाने के बाद जरूर कुछ खिलाएं उसको, ताकि वो दोबारा जाए आपसे के साथ। बोलना भाई। नहीं, ऐसा नहीं है, झूठ बोल रहा है आप।